इस सारा शहर जगमग जगमग क्यों नहीं कर रहा है? तूने चश्मे जो पहने हुए हैं। मैंने क्या बोला? कि जगमग जगमग क्यों नहीं कर रहा है? मेरे को चेक करना था शो पे ध्यान है कि कल पैसे छाप रही हो? मैंने ये नया धंधा शुरू किया है वेडिंग प्लानिंग का। हमारे यहाँ बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबकी शादी करवाई जाती है। बच्चों? अभी पिछले हफ्ते मैंने डेस्टिनेशन वेडिंग कराई, पता है? हाँ। सारी अखबारों में आया। किसकी? कि ओफ, इस मेरा पल्लू गिर जाता है। शादी किसी बड़े आदमी की नहीं थी। हाँ। मैंने डेस्टिनेशन ऐसी जगह रखा, बारात पहुंच ही नहीं पाई। एक महीने से निकली हुई, पता नहीं कहाँ, पुलिस ढूंढ रही है अभी। खैर परसों यहाँ पे एक डेस्टिनेशन वेडिंग है यहाँ पे। अच्छा। अभी तक पूरे इंतजाम भी नहीं हुए यार, दो ही दिन रह गए। हाँ। एक तो शादी ऊपर से आ गई, ऊपर से कार्टून देखने का टाइम हो गया। वाओ मारिको, वाओ। हेलो, हाँ, मैं तो वेन्यू पे पहुंच गया हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। वाओ, आ जाइए। क्या आज मेरी बेटी की शादी है यहाँ पे? आप मारिको, आज यहाँ मेरी बेटी की शादी है और तैयारी तो कुछ हुई नहीं है। ओए चप्पू, ओए चप्पू, क्या है? अच्छा बोला, कार्टून चल रहा है। क्या आज मेरी बेटी की शादी है और तुम कार्टून देख रहे हो? तो कोई बात नहीं, जिस दिन कार्टून की शादी होगी तुम्हारी बेटी देख लूंगा उस दिन। तुम्हारी बेटी की शादी तो परसों थी। आज है मेरी बेटी की शादी, अभी थोड़ी देर में बारात आने वाली है। ऐसे कैसे, संडे को नहीं थी शादी? तो आज संडे ही है। एक मिनट, शादी तो 20 तारीख को थी। अबे आज 20 तारीख है। क्या जमाना आ गया है, अभी कल ही 19 तारीख थी, आज 20 हो गई। हे भगवान, आजकल के दौर में कब 19 से 20 हो जाए पता नहीं चल रहा है। अरे कैसे वेडिंग प्लानर हो तुम, मैंने तो तुम्हें कार्ड भी भेजा था। मारिस, ओए मैं कार्ड वार्ड नहीं देखता, मैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड भी नहीं कभी देखा। वो तो मेरे बाप की चप्पल उड़ती हुई आती ना, मेरे को समझ में आता ओ इस साल भी फेल हो गए उस हिसाब से। अरे यार वो सब छोड़ो, अब कुछ ही समय में बारात यहाँ आने वाली है, तुम कुछ टीसी को सेट कर दो जल्दी भाई, अपने आदमी बुलाओ। ओए मेरा कोई आदमी नहीं है, मैं खुद किसी का आदमी बनने की सोच रहा हूँ, अपने आदमी भेज। अरे मेरा मतलब है काम करने वाले वर्कर्स को बुलाओ, दूल्हा दुल्हन अभी आते ही होंगे। अभी ये तो ये क्या है? कुर्सी, दूल्हा और दुल्हन के लिए एक ही कुर्सी? एक कुर्सी दूसरी शादी पे गई हुई है। हाँ। तो हम एक काम करेंगे ना, दूल्हा दुल्हन को ऐसे म्यूजिकल चेयर खिलाएंगे, जो जीत गया उसके गले में मंगलसूत्र डाल देंगे। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, मंगलसूत्र तो हमेशा लड़की के गले में होता है। ओए नॉर्मल शादियों में होता है अंकल, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है। अभी बता, परसों मैंने एक शादी कराई, दूल्हे की एंट्री मैंने पैराशूट पे कराई, पता है? या क्या कह रहे हो? सच्ची में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पैराशूट खुला नहीं, दूल्हा खुल गया। आपको पता है उसको वापस असेंबल करने में 6 घंटे लगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, उसका कान ना इधर लग गया। अभी उसको आवाज हो ना, ये बात सुन कहते बताओ 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 केदार हो गया, पता है? थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। अरे यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ये सब सही करो वरना लड़के वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। कुछ नहीं होता, अंदर जाओ, दो पैग मार, उससे बेइज्जती फील नहीं होती। दो पैग मार क्या, इधर हम नागिन डांस करेंगे। नागिन डांस? मैं लड़की का बाप हूँ, मैं नागिन डांस कैसे कर सकता हूँ? तो तेरी नागिन का फन खराब है। तो कैसा आदमी है ये, 21वीं सदी की लड़की का बाप है तू? अभी सोनम कपूर की शादी हुई, अनिल कपूर ने इतना नागिन डांस किया, पता है? पंडित के मुंह से निकल गया, कहता कन्यादान का टाइम हो गया, नागिन को बुलाइए। इतना अरे भाड़ में जाए तुम्हारा नागिन डांस। अरे बारातियों को खाना कौन खिलाएगा, यहाँ तो वेटर वेटर भी नहीं दिख रहा। यार वेटर की टेंशन मतलब, आप सिर्फ दुआ करो कि खाने का इंतजाम हो जाए, वेटर तो हम ही सर्व कर लेंगे, उसमें क्या है? मतलब अब खाना नहीं बना? यार हमारा ना एक एनजीओ से टाई अप है, वो लोग क्या दूसरी शादियों में जाते हैं, जो खाना बच जाता ना वो इधर ले आएंगे। वो एनजीओ का तो हमारी शादी के साथ ही टाई अप था, खाना कोई बात नहीं, दूसरी एनजीओ से मंगाता। अरे कमाल कर रहे हो तुम, दूसरी शादी में बचा हुआ खाना बारातियों को खिलाओगे? तो फिर क्या हुआ बचा हुआ बचा हुआ, उन्होंने किसी की बची हुई कुर्सी ले ली, उसमें क्या? अरे जितनी तुम बातें बना रहे हो उससे अच्छा तो थोड़ा खाना बना लेते। ए भगवान अब क्या होगा मेरा? घबरा मत, मेरा कुक आते होगा, कुक। हेलो कुक। तुम्हें भगवान का आवाज था, तुम सब ठीक कर दो, मेरी इज्जत का सवाल है। एक बात बता, सवाल हिंदी में है कि इंग्लिश में? अरे तुम की मजाक करना छोड़ो यार, काम पे ध्यान दो। मैं तो कहता तुम काम करना छोड़ो, मजाक पे ध्यान दो।
अगर मजाक अच्छा हो जाए ना, और काम करने की जरूरत ही नहीं है। चप्पू शर्मा, क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? भाई साहब, मेरी बेटी की यहाँ शादी है। हाँ। उसका खाना बनाने का जिम्मा आप पे था। हाँ। क्या हुआ खाने वो का? तो मैंने पिछले हफ्ते बना दिया था। अब तो बस बारात ने आना, मैंने गर्म करके सर्व करना है। क्या बकवास कर रहे हो? एक हफ्ता पुराना खाना ये बारातियों को खिलाएगा? अरे कैसे होगा भाई ये? देखो, बारात को कितना भी अच्छा खाना खिला लो, जीजा और फूफा हमेशा नाराज ही रहते हैं। भाई साहब, इन्होंने जो करना था कर दिया, अब अच्छी तरह से खाना बना के मेरी इज्जत बचा लो प्लीज। खाना मतलब आपने क्या इधर बांध के घूमना है? इज्जत क्या बचा लो? आपको पता मैंने इतना स्वादिष्ट खाना बनाया। आप टेंशन ले, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, बराती उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये इसकी बातों में मत आना, इसका खाना टेस्टी नहीं होता पता है। अच्छा। ये बनाता है इतना सा, फिर सबको बोलता है उंगली डुबो के चाटो। पता है, उंगलियां चाट चाट के मेरी ये वाली उंगली छोटी रह गई। ये उंगली तो सबकी छोटी होती है। अम्मी जान कहां करती थी, कोई भी चीज छोटी नहीं होती। क्या फालतू की बातें कर रहे हो तुम? अच्छा, शाहरुख खान की मम्मी ने कहा तब ठीक है, मेरी मम्मी ने कहा तो फालतू बातें। तेरे जैसे लोगों की वजह से ना हमारी मम्मियों के बच्चे शाहरुख खान नहीं बन पा रहे। अरे मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। बुकिंग करते समय इतने कितने बड़े बड़े वादे किए थे। मैं तू जो बकवास नहीं करनी मेरे साथ, मैं मुक्का मार के मुंह पे जो ताला लगाया मैंने तोड़ देना। क्यों? तूने खुद ही कहा था ये जंगल थीम चाहिए। मैंने जान पे खेल के दो सांप पकड़े जयमाला के लिए। जयमाला जयमाला में हार के बदले सांप पहनेंगे तो क्या हाथी डालेंगे उसमें? मैंने कॉस्ट्यूम देखा है दुल्हन का, उस हिसाब से सांप मैच करेंगे। यार फॉरेस्ट थीम मतलब हरियाली, पेड़ पौधे, ताकि जंगल जैसा फील आएगा। ज्यादा जंगल की फीलिंग ना लो, नहीं तो बारात ने लोटा लेकर इधर ही बैठ जाना है। अरे भाई बारात आ रही होगी, देखो अगर चाहिए तो मैं तुम्हें और पैसे बढ़ा के दूंगा, लेकिन मेरी इज्जत बचा लो, इसी में कुछ कर लो। देखिए आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी आप ही की बेटी, हमें क्या लेने देना, हमें पैसे से मतलब है। ए चप्पू, ये बारात आ गई लिए क्या? ए, ये मेकअप वाली यहाँ क्या कर रही है? मेरी बेटी कहाँ है? वो अंदर सूख रही लिए। अंदर सूख रही लिए? हाँ, उसको सुल्तानी मिट्टी लगाई ना चेहरे पे। हाँ तो सूखने के लिए 2 घंटा लगता है उसमें। अबे सुल्तानी मिट्टी नहीं होती, मुल्तानी मिट्टी होती है। हमारे प्रोड्यूसर ने सुल्तान की है तो हम सुल्तानी मिट्टी ही लगाएंगे। और शुक्र है सलमान भाई ने गरम मसाला फिल्म नहीं की, नहीं तो लड़की ने गरम मसाला लगाकर बाहर आना था। ओ रायचंद के फटेले कच्चे, चल अपने उधर जा ढाबे पर मक्खियां मार जाके चल। ओ मुगलों के हाथी धोने वाली औरत, जुबान संभाल के सोच। जब मैं मुगलों के हाथी धो सकती है तो मुगलों के मेंढक का क्या हल करेगी, सोच। बारात आ रही होगी, कुछ करो। ए स्टीम्ड मोमो, समझा है ना तेरे को? टाइम लगेगा बोला ना, इधर टाइम लगेगा। अरे चंदू, तेरे तंदूर से कोयला लाके देना, मेरा कहना काजल खत्म हो गया है तो मेरे को गरम गरम कोयला चाहिए। तुम मेरी बेटी का कोयले से मेकअप कर रहे हो? अरे तो इतना भड़कता क्या तू? ओए ओए भड़क मत, कोई बात नहीं, ठंडे कोयले से कर देगी, टेंशन नहीं लेने का। इसका मतलब पहले गरम कोयले से करने वाली थी? अरे तो हर्बल रहता है, इन्फेक्शन नहीं होता यार उससे, इसीलिए बोली मैं। तू कोयला लाके दे मेरे को। कोयला नहीं है, डांबर है, वो दूं? अरे नहीं पगले, फेशियल थोड़ी करना है। ये भी ना कोयला डांबर, तुम दुल्हन सजा रहे हो कि अंदर सड़क बना रहे हो? संभाल लेना। मेरे को डर लग रहा है, मैं लिक्विड योगा करने जा रहा हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।